हेलो दोस्तों, तो आज फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल Zerato.in पे आप लोगों का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे वन क्लिक फेस्टिवल पोस्ट के बारे में, कि किस टाइप से आप जो है वन क्लिक के अंदर फेस्टिवल पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, वो भी कैनवा के थ्रू। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, और आपको बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आपको बस एक क्लिक करना, आपके पास रेडीमेड पोस्ट रेडी हो जाएगी, और आपको बस अपना डिटेल्स वगैरह इनपुट करना है वहाँ पर, और आपकी पोस्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं JPG और PNG के थ्रू। और उसके अलावा आपको उसके लिए कैनवा का प्रीमियम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली जो टेम्पलेट है वो मैंने डिज़ाइन कर दिया है, बस आपको वन क्लिक के अंदर उसको अपने डिज़ाइन के अंदर आपको कम्प्लीट करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के अपने जो है मैं टेम्पलेट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं फेस्टिवल पोस्ट के लिए। ये देखिए, इस टाइप का आप फेस्टिवल पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये इस टाइप का मैंने 4 से 5 टेम्पलेट इसके अंदर डाल दिए हैं। इस टाइप के आप जो है टेम्पलेट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनके अंदर ये जो राउंड सर्किल जो आ रहे हैं इनके अंदर आप अपनी पिक्चर्स भी इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर लैपटॉप के अंदर भी आप अपनी पिक्चर्स इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जो भी कोई फेस्टिवल है उसकी पोस्ट आप डाल सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस रिलेटेड भी पोस्ट डालनी है तो वो भी आप इनपुट कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स वो कम्प्लीटली एडिटेबल होंगी, इनको आप एडिट कर सकते हैं इजीली, और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी आप अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देने के बाद में डायरेक्टली वहां पे जाएंगे लिंक के ऊपर। मैं यहां से एक बार लिंक को क्लिक कर लेता हूं। अब मैं इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूं, ताकि आपको प्राइवेट विंडो में ईजिली समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जो है कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने प्राइवेट विंडो ओपन कर ली है। यहाँ पर फ्री डाउनलोड्स में जाएंगे हम लोग। यहाँ फ्री डाउनलोड्स में जो ये पोस्ट आ रही है, यहाँ पर कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक करेंगे। अब मैं डायरेक्टली इसी पोस्ट का लिंक दे दूंगा आपको वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये पोस्ट आई हुई है। अगर इस टाइप की आपको पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। सेकंड, इस टाइप की अगर पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। जिस भी टाइप की आपको पोस्ट डिज़ाइन करनी है वहाँ पर आपको यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। मान लीजिए मुझे इस टाइप की पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो सबसे पहले मैं यूज टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा। जब मैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए न्यू विंडो में ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये टेम्पलेट क्रिएटेड बाय Zerato, ये मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है, तो आप यहाँ से आप जो है यूज कर सकते हैं। अब यूज टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है आपको जीमेल से या कोई भी ईमेल आईडी हो उससे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं एक बार जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ, या फिर मोबाइल से लॉगिन कर लेता हूँ सबसे बेस्ट। अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, आपको टेम्पलेट दिख जाएगा। क्योंकि मैंने प्राइवेट विंडो में ओपन किया है इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अगर आपके पास मोबाइल भी है, आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं साइन अप। मैं ईमेल से लॉगिन कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया था यूज टेम्पलेट पे, वो पूरा का पूरा टेम्पलेट मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। मान लीजिए मुझे इस वाले टेम्पलेट को यूज करना है, तो यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये वाला टेम्पलेट जो है आ जाएगा यहाँ पर। ये टेम्पलेट आपके पास आ गया, ये देखिए यहाँ पर ये टेम्पलेट आ गया। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपको ये वाला टेम्पलेट यूज करना है, तो यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है, और यूज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है ये पूरा यहाँ पर लैंड करवा देता है। तो इस टाइप से आप जो है कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें पिक्चर रिप्लेस करनी है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, इस पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इन पिक्चर्स को डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको डिटेल चेंज करनी है, मान लीजिए कुछ भी करनी है हम लोगों को, मान लीजिए मैं
तो ये डिटेल एडिट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी चेंज करना है, यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपको जो भी कुछ चेंज करना है, मान लीजिए ये कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो आप चाहें। इसके अलावा आपको ये वाला कलर अगर चेंज करना है तो ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया बैकग्राउंड का। अगर इसी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका दूसरा कलर चेंज हो जाएगा। जो भी आप चाहें वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे लोगो एंटर करना है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। लोगो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट कर दीजिए, अपना खुद का लोगो लाने के लिए। आप जैसे आपके पास अगर लोगो सेव हो तो सबसे बेस्ट है। मैं एक बार वेबसाइट से लोगो डाउनलोड करूँगा। तो ये लोगो यहाँ पर मैंने लोगो पुट कर दिया है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको इमेज जो है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी हैप्पी दिवाली की अगर हमें पोस्ट बनानी है तो हम लोग हैप्पी दिवाली सर्च करेंगे। अब यहाँ पे ये जो इमेज आ रही है हैप्पी दिवाली की, या फिर ये इमेज जो आ रही है, इनमें से कोई भी इमेज हम लोग ले लेंगे जो हमें समझ में आ रही है। मान लीजिए ये इमेज ले लेता हूँ मैं। सेव इमेज ऐज कीजिए और सेव कर दीजिए इसे। अब आपको इमेज को अपना पुट करना है यहाँ पर और इमेज यहाँ पे डाल देनी है। तो ये देखिए ये इमेज मेरी ऐड हो चुकी है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वो सोलर का है, तो आप सोलर सर्च कीजिए। सोलर से रिलेटेड आपके पास जो भी इमेजेज हैं वो सब आप इसमें डाल सकते हैं अपनी एडिशनल सर्विसेज के अंदर। अगर आपकी कोई एड ऑन सर्विसेज है तो वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं 3 इमेज ले लेता हूँ कोई भी। ये 3 इमेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अब फर्स्ट इमेज को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। और इस लैपटॉप के अंदर आपको लेके जाना है माउस को, तो ऑटोमेटिकली ये लैपटॉप के अंदर इमेज आपकी जो है पुट हो जाएगी। अगेन लैपटॉप के अंदर लेके जाना है और थर्ड इमेज में भी सेम आपको इसी टाइप से लैपटॉप। तो ये एडिशनल आपकी जो सर्विसेज हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपके पास और भी कोई सर्विसेज हैं तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे आप जो है कम्प्लीटली ईजीली डिजाइन कर सकते हैं इसको पूरा। अब मान लीजिए इसका कलर मुझे दोबारा चेंज करना है तो इसका ब्लू भी कर सकता हूँ मैं, या फिर जो भी आपके पास कलर है वो भी कर सकता हूँ। अब शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और जेपीजी इमेज पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका जो है पूरा पोस्ट जो है वो HD क्वालिटी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। सॉरी मैंने ये यहाँ पे डाल दिया था, एक सेकेंड, डाउनलोड जेपीजी डाउनलोड। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अब हम लोग एक बार पोस्ट देख लेते हैं अपनी किस टाइप की लग रही है। सेव पे क्लिक किया, ये देखिए मेरी पूरी फेस्टिवल पोस्ट जो है वो पूरी कम्प्लीटली रेडी हो गई है। इस टाइप के पोस्ट के आप आराम से जो है 50 से लेके 200 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं पर फेस्टिवल पोस्ट के। मान लीजिए इसी टाइप से मुझे, मैंने जो दूसरा टेम्पलेट ओपन किया था, एक बार मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, दूसरा टेम्पलेट ओपन किया था मैं, उस पर एडिटिंग करता हूँ। मान लीजिए इस वाले पर करता हूँ, यूज टेम्पलेट पर क्लिक किया हम लोगों ने, यूज टेम्पलेट। अब यहाँ पे लोगो की जगह लोगो डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने ये लोगो ऐड कर दिया है। मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं आप, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डिटेल चेंज कर देंगे, कंपनी नेम में कंपनी चेंज कर देंगे। और इसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको दिवाली की लगानी है तो जैसे अपन ने अपलोड कर रखी थी इमेज यहाँ पे हैप्पी दिवाली वाली, उसको आप पुट कर दीजिए अंदर की साइड में, तो ये हैप्पी दिवाली वाली आ गई। उसके अलावा आपके यहाँ पर जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पे, अगर आपको और भी इमेजेज ऐड करनी है दूसरी किसी सर्विसेज की तो वो सब आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर ही सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा आप कलर चाहें।
और बैकग्राउंड का कलर भी आप पूरा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जैसा आपको अच्छा लगता हो। और शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अगेन जेपेग और डाउनलोड। अब देखिए मैं ओपन कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये भी मेरा एक तरीके का पूरा पोस्ट, सोशल पोस्ट रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी टाइप के मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी टेम्पलेट शेयर करूँगा, जैसे डिजिटल बिजनेस कार्ड के, कंपनी प्रोफाइल के, रिज्यूम के। तो आप उनसे ईजिली अपना जो डेटा ऐड करके अपने रिज्यूम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। With the